What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है. जो डिस्टेंस है आप लोगों के ड्रीम के बीच में और जो रियलिटी के बीच में, वो बस आप लोगों का एक्शन है. यानी कि जब तक आप लोग पड़े पड़े सोचते रहेंगे ये करना है ये नहीं करना है, इस तरीके से आप लोगों को एनालिसिस पैरालिसिस होता रहेगा. यानी कि बस सोचते रहेंगे भैया ये करना है और ये नहीं करना है. पर लेकिन जब तक आप लोग अपनी उस सोच को अपने एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उस दिन तक आप लोग अपने ड्रीम को ड्रीम ही बनाए रखेंगे, उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. यानी कि जो आप लोग सोचते हैं, सोचने पे आप लोग का आधा काम पूरा हो जाता है, पर लेकिन आधा काम आप लोग का वो आप लोग का तब पूरा होता है जब आप लोग एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं. यानी कि आज सोच लिया कल काम करना है भैया, अब ये प्लान बना लिया है, इस प्लान के हिसाब से चलना है, इस टाइम पर उठना है, इस टाइम पर सोना है, इतना रिवीजन करना है, इतना पढ़ाई करना है, इस टाइम पर एक्सरसाइज करनी है, इस तरीके से खाना खाना है, सब कुछ आप लोगों का प्लान होना चाहिए प्रॉपर वे में. जब तक आप लोग एक प्लान बनाकर और उस प्लान के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आप लोग का जो रियलिटी है, जो टारगेट है, वो आप लोग का ड्रीम ही रहेगा, कभी भी वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक आप लोग एक्शन नहीं लेंगे. तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी भी आप लोग एक्शन ले लेंगे लाइफ में, उतना ही ज्यादा बेटर है. और ये हाँ, ये मौसम के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि सर्दी है तो थोड़ा सा सो लेते हैं और गर्मी है तो ये हो गया वो हो गया. तो इसीलिए अगर कोई भी गोल बनाना है, वो आप लोगों का गोल कभी भी किसी भी मौसम से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. आप लोगों की आदत जो होनी चाहिए वो इस तरीके से सुधरी हुई होनी चाहिए ताकि आप लोग के गोल को अचीव करने में आप लोगों की हेल्प करें. इस तरीके की आदत आप लोगों को आगे लेके चलना है. ओके, तो आज है 3 दिसंबर. काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए. और आप लोगों का मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है, यह है नाइजीरिया जाकर निहारेगा, कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बाकी जो आप लोगों ने कहा था कि सर ये चेंज करना है, तो देखिए कुछ तो आज इंप्लीमेंट कर दिया है. आप लोग एक बार सुन लीजिए क्या क्या बातें हम लोग चेंज करने की बोले थे. सबसे पहला एक मोटिवेशनल कोट बोला गया था स्टार्टिंग में, वो आप लोगों को डेली देखने को मिलेगी. दूसरा, राइटर का नाम, कौन सा आर्टिकल किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर ये दो वाले आर्टिकल रहते हैं, इनमें राइटर का नाम नहीं रहता है. बाकी का जो भी आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा उसका राइटर का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा. ठीक है, तो इसके आप लोगों को ये दो का नहीं मिलेगा, बाकी जो डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट होगा उसका आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा. तीसरी बात बोली गई थी वो कैब आप लोगों की बढ़ा दूंगा, वो कैब जहां जहां मुझे देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में आप लोगों को वो कैब भी देखने को मिलेगी. चौथी बात बोली गई एक क्वेश्चन डेली. देखिए क्वेश्चन कुछ बंदों ने बोला एक, कुछ ने बोला दो या तीन भी होने चाहिए, तो क्वेश्चन की क्वांटिटी में बढ़ा दूंगा, पर लेकिन आप लोगों को पहले रेस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा. यानी कि अब तो फिलहाल मैं एक ही क्वेश्चन डाल रहा हूं, अगर मुझे लगेगा आप लोग इंटरेस्टेड है और क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से दे रहे हैं तो आने वाले टाइम में क्वेश्चन की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी. कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर की आर्टिकल के ऊपर ये लिख दीजिए कि कौन से पेपर में आ रहा है ये आर्टिकल, यानी कि यूपीएससी के हिसाब से कौन से पेपर में आ रहा है. देखिए एक प्रॉब्लम यहां पर ये निकल के आती है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो भी इस डिस्कशन को देखते हैं, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लगने लगती है कि यार ये तो यूपीएससी स्पेसिफिक चीजें हो गई सारी. हालांकि देखिए पढ़ाया पूरे लेवल में जाता है, पर लेकिन जब लिख देते हैं थोड़ा सा वैसे लगना है. पर फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है उससे आप लोगों को फायदा होने वाला है, तो आने वाले टाइम में मैं आर्टिकल के ऊपर उसको बताया नहीं करूंगा, बस लिख दिया करूंगा. ठीक है, ताकि जिसको समझना है, जिसको चाहिए उसको मिल जाया करे. तो ये मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा. हो सकता है कई बार ना भी लिखूं टाइम की वजह से, पर मैक्सिमम टाइम कोशिश करूंगा कि आप लोगों का वो लिख दिया जाए. ठीक है, तो ये बात देखने को मिलेगा. बिजनेस और इकोनॉमिक वाला सेक्शन है उसको भी थोड़ा सा इंक्लूड किया गया है ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों का वो भी यहां पर देखने को मिले. और डेली मैप बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो तो आप लोगों की यहां पर चलेगी ही चलेगी. और बच्चे ने बोला था कि सर ये वाला मैप मत दिखाया करो, ग्लोब दिखाया करो जो आप लोगों को, तो ठीक है वो भी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वो दिखाया जाए. इसके अलावा एक जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो मैंने अपनी साइड से ऐड किया है, वो यहां पर किसी ने नहीं बोला था. आप लोगों को अब जो है द हिंदू का डिस्कशन भी अच्छे से फोकस देकर सुनना पड़ेगा. आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो के एंड में आप लोगों का एक क्विज हुआ करेगा जो कि आज के ही डिस्कशन से हुआ करेगा. यानी कि जो भी मैंने आज डिस्कस किया है उसी के डिस्कशन का एक छोटा सा क्विज हुआ करेगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है. इससे पता चलेगा कितने ध्यान से आप लोग पूरा डिस्कशन सुन रहे हैं. वो क्विज वीडियो के एंड में होगा और उसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट डे मिला करेगा ताकि आप लोगों का अगले दिन फिर रिविजन भी हो जाए कि क्या क्या हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा. कुछ तो आज ही मैंने कर दिया है, कुछ आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक दो दिन के अंदर सारा इंप्लीमेंट हो जाएगा. और एक आप लोगों की टाइम फिक्स की प्रॉब्लम चल रही है उसको भी फिक्स करता हूं. अभी रुक जाइए एक दो दिन, थोड़ा सा सेटअप हो जाइए क्योंकि थोड़ी सी चीजें मुझे डिफरेंट करनी पड़ रही हैं, तो इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये सारी चीजें करना इनमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है. कम से कम आधे आधे घंटे करीब ज्यादा टाइम लग जाता है, जो जो भी चीजें आधे से आधे घंटे से लगभग ज्यादा ही लग जाता है जो जो भी चीजें आप लोगों ने बोली है. क्विज आराम से सेट करना, लास्ट में क्विज बनाना, उसमें टाइम लगेगा. जीएस में कौन से उसमें आ रहा है वो आपका देखने में टाइम लगेगा. इसके अलावा क्वेश्चन को सेटअप करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है इसकी वजह से. तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, आप लोगों का टाइम भी फिक्स जल्दी ही कर दूंगा. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चेंज पसंद आने वाले हैं. जो भी आप लोगों ने बोला था अप्रोक्सीमेट मैंने सारे इंक्लूड करने की कोशिश की है, और अब आप लोगों को इसको और भी ज्यादा इंटरेक्टिव आप लोगों को ये लेक्चर देखने को मिला करेगा.
तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको आगे लेकर चलते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर डिस्कशन है आज का पॉइंट। तो यहाँ पर आर्टिकल देखते हैं पहले कौन कौन सा आर्टिकल है, एक रिव्यू ले लेते हैं। और हाँ, रिव्यू से बात आई, कई सारे बच्चों ने यह भी बोला कि सर रिव्यू भी कर दिया कीजिए जैसे आप लोग नैनो में करते हैं। देखिए आप लोग ये देख सकते हैं दो बातें हैं, एक तो क्विज हो जाएगा, अगर आप लोग रिव्यू भी चाहते हैं तो रिव्यू भी हो जाएगा अगर आप लोगों को लग रहा है। दोनों में एक एक दो दो मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, पर फिर ये मत बोलिएगा कि सर जो जो लेक्चर है उसको भी 30 मिनट में रखिए। देखिए आप लोग सबसे बुरी बात पता है क्या करते हैं, मतलब सब कुछ चाहिए और वो भी 30 मिनट के अंदर अंदर, और ऊपर से फिर स्पीड भी डाउन चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर स्पीड बड़ी ज्यादा हो जाती है, तो यार कैसे करूं मेरी समझ में नहीं आता है, दो ही हाथ पैर हैं, वो सारा टाइम कैसे किया जाए तो समझ में नहीं आता है, कई बार तो वो इरिटेटिंग लगने लगता है कैसे किया जाए। चलिए जो भी है अपनी साइड से बेस्ट कोशिश करूंगा, विद इन 40 मिनट रखने की कोशिश करूंगा। अगर 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि अगर ज्यादा मिनट का बढ़ रहा है तो इससे आप लोगों को अच्छी क्वालिटी ही मिलेगी, इससे आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आज इन सब लेक्चर की, इन सब चीजों की वजह से लेक्चर भी थोड़ा लेट आ रहा है, क्योंकि कई दिनों के बाद ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आने वाले टाइम में ये टाइम को आप लोगों का जो मैटर है इसको जरूर मैं कंट्रोल लाऊंगा, ठीक है, ये आप लोगों से प्रॉमिस है, ये आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा टाइम पर आती हुई चीजें, ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के बारे में, काफी शानदार आर्टिकल है, कई सारी इंटरेस्टिंग इकोनॉमी की टर्म आप लोगों को जानने को मिलेंगी, तो वो भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 12th की जो एनसीईआरटी है वो भी स्टार्ट कर दीजिए, तो वो भी आप लोगों को वीकेंड में उसके भी लेक्चर स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। रेगुलर नहीं कर पाऊंगा, वीकेंड में आप लोगों को उसके लेक्चर देखने को मिला करेंगे, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। इसके अलावा ये आर्टिकल शानदार तरीके डिस्कस करेंगे, यहाँ पर बात की गई है अर्बन नक्सल, क्या होते हैं अर्बन नक्सल इसके बारे में जानेंगे। हालांकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है कुछ, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को अर्बन नक्सल के बारे में बताऊंगा, इससे रिलेटेड एक किताब भी है काफी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनकी अभी डेथ हो गई है, उसके बारे में आर्टिकल डिस्कस किया गया है। 2-4 पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पर्सनैलिटी स्पेसिफिक आर्टिकल है, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है जो किसान है उनको किस तरीके से जॉब क्रिएट की जा सकती है, क्योंकि देखिए खेती में से तो इतनी ज्यादा कमाई होती नहीं, तो फिर कहां से जॉब क्रिएशन किया जाए उसके ऊपर यहाँ पर नजर डालेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी को मूवीज के थ्रू जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो देखिए मूवीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, तो उसको अप्रिशिएट मूवी बता रहे हैं। अभी जीरो मूवी का ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे। मंडे को ये आर्टिकल आता है, जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं ये उनको एक्सप्लेन करते हैं, ये हमारे काम का नहीं होता है। फिर से जिक्र किया जा रहा है जीका वायरस के बारे में, जीका वायरस के बारे में कई सारे हम आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों को। माइक्रोसिफेली बीमारी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जब सर का जो साइज होता है वो चेंज हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन जब रहती है। इसी के साथ में यहाँ पर दो स्टेट ऐसे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मान लीजिए जीका के केसेस निकल कर आए, तो गवर्नमेंट क्या करती है उनको एनालिसिस करने के बजाय, उनके और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बजाय उनको छिपाती है, यानी कि ज्यादा जनता के पास में ज्यादा बाहर ना आ जाए और वो हफरत ना मचे। वो तो सही है, चलो छिपा रहे हैं, पर लेकिन स्टेप भी तो उठाइए, कोई स्टेप भी नहीं उठा जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई सारे जो रिसर्चर रिसर्च करते हैं वो इसलिए अपनी रिसर्च बाहर लेकर नहीं आते, कई बार ये जानने को मिलता है कि देखिए तब तक उनकी रिसर्च छप ना जाए, उनके नाम पर ना हो जाए, तब तक वो नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले, क्योंकि अगर किसी ने चोरी कर ली तो उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो कई सारी ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में फोकस देने की कोशिश की जाती है, खासकर जीका वायरस की बात की जाती है। एंडीज मच्छर के द्वारा जनित एक बीमारी है, ये जरूर याद रखिएगा। और जो इसके अलावा जो माइक्रोसिफेली यहाँ पर ये जरूर याद रखेगा, बच्चों के सर का जो साइज है वो चेंज हो जाता है, तो ये कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है। कई सारे जो साइक्लोन देखने को आते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया, हल्का सा एनालिसिस है, इस पर भी हम लोग हल्की सी नजर डालेंगे। जो सबसे पहला आर्टिकल है ये हमारी इकोनॉमी के बारे में, तो डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी जो कंप्लीट इकोनॉमी होती है वो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से, अप्रैल फुल जिसको आप लोग बोलते हैं, और 31 मार्च तक चलती है। इसमें टोटल मिलाकर आप लोगों को 4 क्वार्टर देखने को मिलते हैं, हर क्वार्टर 3 महीने का होता है, यानी कि पहला जो हो गया अप्रैल मई जून, दूसरा हो गया जून से आगे जुलाई अगस्त सितंबर, फिर हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर हो गया जनवरी फरवरी मार्च। तो अभी जो यहाँ पर ये वाला जो सेशन है, ठीक है, तो इस वाले सेशन का अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो अभी ग्रोथ यहाँ पर आया है किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, सीएसओ के द्वारा यहाँ पर ये दिया गया है। तो सीएसओ के द्वारा जो यहाँ पर दिया गया है, ये बोला गया है कि यहाँ पर जो लास्ट क्वार्टर था, यानी कि जो यहाँ पर था अप्रैल मई जून वाला, ये वाला क्वार्टर ज्यादा अच्छा था, और ये यहाँ पर जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर आया, यहाँ पर आप लोगों को जो ग्रोथ है वो कम नजर आ रहा है। तो कई सारी तमाम बातें इसके बारे में डिस्कस की जा रही है, तो उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल है, तो नजर डालते हैं आर्टिकल के ऊपर। ये तो आप लोगों को बता ही दिया कि यहाँ पर अभी जो है ग्रोथ वो कम हो गया है, तो यहाँ पर कई सारी बातें इंपैक्ट डालने वाली है। पहला आप लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि ऑयल का प्राइस है वो आसमान छू रहा था, आप लोग पेट्रोल की बात कर लीजिए चाहे डीजल की बात कर लीजिए, वो काफी हाई लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रहा था। इसके बाद बात की जा रही है वीकनिंग रूपी, यानी कि
जो हमारी रुपये की वैल्यू थी वो भी काफी डाउन हो गई थी, उसकी वजह से भी काफी कुछ इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो गाँव वाला एरिया है वहाँ पर जो डिमांड है वो भी काफी कम होती जा रही थी, क्योंकि लोगों के पास से पैसा नहीं देखने को मिल रहा था और महंगाई भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो इसी की वजह से बात निकल कर आ रही है कि जो ग्रोस वैल्यू एडिड होती है जिसको आप लोग जीवीए बोलते हैं, वो आठ में से पांच सेक्टर ऐसे हैं जो कि स्लो डाउन आप लोगों को देखने को मिल रहा था। इसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं। देखिए टोटल आठ सेक्टर ऐसे हैं जिनको कोर सेक्टर बोलते हैं, इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसके अलावा रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटल आठ है ये कोर सेक्टर, इनको बोला जाता है। यानी कि ये सेक्टर अगर किसी इकोनॉमी के हैं तो ये शानदार तरीके से परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये मई तक का डेटा है, पर हम अब जो बात कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ी आगे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग देखें यहाँ पर क्या है, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो सेकंड क्वार्टर की आ रही है। ठीक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो उस वाली बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सेक्टर देखना है, बस ये डेटा आप लोगों को नहीं देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आठ जो कोर सेक्टर हैं इसमें से पांच कोर सेक्टर जो हैं वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जीवीए की डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। जीवीए को अगर जीडीपी के साथ में आप लोग कंपेयर करें तो जीडीपी क्या होती है, जीडीपी होती है एक तरीके से ग्रोस डेवलपमेंट कहीं में गुड्स और सर्विसेज में किसी पर्टिकुलर कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर, यानी कि हमारी कंट्री की जो फिजिकल बाउंड्री है उसके अंदर एक साल में कितना हम लोगों ने यहाँ पर गुड्स और सर्विस का डेवलपमेंट किया, ये होता है जीडीपी। अगर अब आप लोगों को जीडीपी में से जीवीए को निकालना है तो क्या करना है, जीडीपी में से आप लोगों को टैक्स को घटाना है और जो सब्सिडीज दी जाती हैं उसको आप लोगों को जोड़ेंगे तो यहां पर आप लोगों का जीवीए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये बात की जा रही है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पे बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है यहां पर, या फिर मोटे मोटे तौर पर आप लोग मैं बोलूं तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो जीडीपी है वो नेशनल लेवल की निकलती है और जीवीए है वो रीजनल, या फिर पर्टिकुलर सेक्टर का भी आप लोग जीवीए निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का आप लोग जीवीए निकाल सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर रीजन के बेस पर फोकस देकर चलता है जीवीए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। अब आगे चलता हूं, आगे बात की जा रही है। देखिए जो जीवी है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में काफी कम आप लोगों को देखने को मिला। लगभग अगर बात की जाए यहां पर ग्रोथ, पहले 5.3 हुआ करता था, ये 3.8 पर पहुंच गया। इस तरीके से आप लोग डिस्टेंस देख सकते हैं फार्म सेक्टर में। और मॉनसून भी पहले काफी अच्छी आशंका लगाई जा रही थी, पहले बोला जा रहा था कि काफी अच्छा रहने वाला है, संकेत काफी अच्छे थे, पर फिर बाद में देखने को मिला कि बाद में चलकर जो है काफी कम होता हुआ नजर आया। यानी कि बोला तो जा रहा था कि काफी अच्छा रहने वाला है, पर लेकिन कम होता हुआ नजर आया। 8% लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 30 नवंबर तक का, बात ये निकलकर आ रही है कि 8% कम जो रबी की क्रॉप है वो बोई गई, यानी कि खेतों में जो फसल लगानी थी वो भी 8% कम लगाई गई मॉनसून की वजह से। तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में और भी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो हमारे गांव की इकोनॉमी है उसके अंदर, जो वहां पर डिमांड है उसके अंदर चीजें आप लोगों को चैलेंजिंग देखने को मिलेगी। तो आने वाला जो क्वार्टर है वो भी, नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा यहां पर, वो भी ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है जो उस क्वार्टर का यहां पर अभी एस्टिमेट निकल कर आएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग की। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें यहाँ पर ये 7.4 देखने को मिला, जो कि लगभग 13 पॉइंट के लगभग हुआ करता था। यहाँ पे भी आप लोगों के सामने प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो एक तो आप लोग देखते हैं ग्रोस बोलते हैं कंप्लीट, जैसे जीडीपी बोलते हैं ना, जैसे जीडीपी की आप लोग फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि कंप्लीट ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी कंट्री की, डोमेस्टिक हमारी डोमेस्टिक यानी कि हमारी कंट्री की प्रोडक्शन कितनी है। ठीक है, इसी तरीके से ग्रोस मतलब पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मान लीजिए कैसा होता है आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, अगर आप लोग कोई मशीन लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो मशीन आप लोगों का एक तरीके से कैपिटल हो गया। उसे क्या कर रहे हैं आप लोग, कोई मशीन लेकर आए और मशीन से आप लोगों ने कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जूस निकालने की मशीन आप लोग ले लीजिए, दो मशीन हो गई, एक जूस निकालने की मशीन आप लोग लेकर आए, उससे घर पर बैठकर जूस निकाल के पी रहे हैं, तो उससे कुछ कमा थोड़ी ना रहे हैं। दूसरी में क्या किया, एक छोटा सा एक ठेला लगा दिया, उसके ऊपर मशीन ला के रख दी और जूस निकाल के बेचा जा रहा है, तो ये आप लोगों का कैपिटल हो गया। ठीक है, क्योंकि आप लोग उससे अर्निंग कर रहे हैं। तो उसमें भी देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में लगभग 32% जो जीडीपी का है वो यहां पर इसी से निकल के आता है, तो ये देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर भी फोकस देकर चलना पड़ेगा। और खासकर अगर बात करें नॉन फूड बैंक क्रेडिट की, यानी कि जैसे अगर बात करें फूड मार्केट में हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं तो वो एक अलग बात होती है, अगर नॉन फूड में दे रहे हैं, क्योंकि फूड मार्केट में अगर क्रेडिट आप लोग दे रहे हैं तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा। नॉन फूड में क्रेडिट दिया जा रहा है यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन में अगर आप लोग पैसा लगा रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे अर्निंग होगी। और फूड मार्केट में क्या होगा, खा पीकर साइड में हो जाएंगे जरा सी देर में, तो उससे ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब यह, कहने का मतलब घुमा फिरा के, अगर थोड़ा सा एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को, मान लीजिए आप लोग पार्टी करने जा रहे हैं, ठीक है,
तो आप लोगों ने क्या किया, पार्टी किया, आप लोगों ने जाया, खाया, पिया और पैसा उड़ा दिया। उसके बाद में क्या है, सुबह तक सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर उसी पैसे से आप लोगों ने कुछ प्रोडक्टिव काम किया, कुछ अच्छा काम किया तो आप लोगों ने, तो उससे मतलब उससे कोई ऐसा काम खरीद लिया, जैसे मैंने अभी यहां पर ये मशीन बताई, अगर कोई ऐसी मशीन खरीदी तो इस तरीके से क्या होगा, उस पैसे को यूटिलाइज किया जा रहा है। यानी कि एक ऐसा साधन आप लोगों को तैयार करना जिसे फिर से पैसे कमा सकते हैं, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है एक कंपेयर को अगर उसके आप लोग लेकर चलेंगे। कुछ ऐसा सामान लेकर आना, गाड़ी खरीद ली, एक तो गाड़ी घर पर आके रख ली, ठीक है, कि अपने लिए यूज करें, वो भी एक अलग बात है। एक हो गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं, उस गाड़ी को ओला या फिर उबर को दे दे रहे हैं, वहां पर उसको यूज किया जा रहा है, या फिर टैक्सी के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो उससे पैसा कमाना स्टार्ट हो गया। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए, अगर बात करें हमारी कंट्री में, जो अगर बात करें मिलिट्री वाला जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, इसलिए उसे बोला जाता है कि वो अच्छा एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर कोई भी कंट्री मिलिट्री पर खर्च कर रही है ओनली सिक्योरिटी के लिए, अगर सब शांति में रहने लगे और मिलिट्री की जरूरत ना पड़े, तो उसको हम लोग प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, उन सब चीजों में यूज कर सकते हैं। पर लेकिन खर्च करना पड़ता है, क्योंकि कई सारे लोग आसपास में आप लोगों को बदतमीजी देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे बात करते हैं आरबीआई के बारे में। अगर आरबीआई की माने तो आरबीआई के रिसर्च पेपर के हिसाब से, अगर जो यहां पर भी बातें निकल कर आ रही हैं, उसने भी कई सारी यहां पर बातें बोली हैं। उसने ये बोला है कि जो ग्रोथ यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन है उसके बारे में अगर बात की जाए यहां पर, तो तभी बढ़ेगा जब आप लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि ग्रोथ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर आप लोग यहां पर अगर आने वाले टाइम में 33% ऑफ द जीडीपी लेकर जाते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। ये लगाने की बात की जा रही है 2022-23 तक। अभी कितना है, अभी यहां पर कम है, थोड़ा आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा तो एक अच्छी बात निकल कर आएगी। तो कई सारी बातें यहां पर निकल कर आती है। देखिए, एक आप लोग यहां पर क्रेडिट की बात देखिएगा। क्रेडिट के बारे में अगर बात करें तो दो बातें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, वो क्या है। मान लीजिए बैंक के पास में आप लोग जाते हैं, ठीक है, एक तो वो है जो यहां पर जो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने बैंक से लोन लिया, गवर्नमेंट ने बैंक से पैसा निकाला और क्या किया, किसानों को बांट दिया, ठीक है, किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब जो फार्म लोन माफ करना कहते हैं, वो सारा इकोनॉमिस्ट, किसी भी इकोनॉमिस्ट को आप लोग उठा लीजिए, उसको गलत मानते हैं। क्यों? क्योंकि फार्म लोन माफ करना एक तरीके से प्रोडक्टिव काम नहीं है, क्योंकि जिन किसानों को मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है। एक तो यह बात देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर यहां पर जो गवर्नमेंट पैसा निकाल लेती है, तो फिर जो प्राइवेट वाले होते हैं, मान लीजिए उन्हें कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करनी है, कोई रोड ब्रिज वगैरह कुछ बनाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, उनको लोन नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कम देखने को मिलेगा, यानी कि क्राउड आउट इन्वेस्टमेंट डिमांड यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी गवर्नमेंट की वजह से। यहां पर यह प्रॉब्लम भी निकल कर आती है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि जिसको लोन मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता है, जिसको मिलना नहीं चाहिए उसको मिल जाता है, तो इससे भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल जाती है। तो ये भी इकोनॉमी पे काफी इंपैक्ट डालती है। इसके अलावा अगर आगे बात करें, यहां पर यह कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, अगर इसके हिसाब से माने तो देखिए यहां पर हम लोग मिस कर रहे हैं जो हम लोगों ने बोला था डेफिसिट जो होना चाहिए 3%, वो 3.3% जीडीपी का होना चाहिए, पर लेकिन यह भी घटता हुआ, यह भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, आप लोगों के पास में 10,000 रुपए हैं आप लोगों के महीने के और खर्च कर दिए 11,000, 1,000 रुपए कहीं से उधार लेकर कर लिए, तो 1,000 के डेफिसिट में आप लोग पहुंच गए। तो इस तरीके से जो जीडीपी का डेफिसिट है यह आप लोगों को यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि खतरनाक होता है इकोनॉमी के लिए। आने वाले टाइम में ग्लोबल टेंशन तो देखने को मिल ही रही है, इलेक्शन वैसे आने वाले हैं, तो जो इकोनॉमी को मैनेज करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम देखने को मिलने वाली है। अब देखने को ये मिलेगा कैसे बेस्ट तरीके से वो इसको मैनेज कर पाते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल, जो कि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर अर्बन नक्सल के बारे में। अर्बन नक्सल के ऊपर एक किताब लिखी गई है, इस किताब का नाम जरूर याद रखिएगा, और ये किताब के साथ साथ में आप लोग यहां पर इस आर्टिकल का भी नाम याद रखते हैं कि किसके द्वारा लिखा गया है। सी विश्वनाथन जी के द्वारा लिखा गया, जो कि एक प्रोफेसर हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया आर्टिकल। हालांकि कई सारे पॉलिटिकल मुद्दे भी हैं, पर आप लोगों को मेन थीम बताता हूं जिससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। एक तो ये याद रखिएगा, बात की जा रही है अर्बन नक्सल के बारे में, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम। तो एक तो ये है यहाँ पर, ये किताब का नाम है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है, किताब का नाम और विवेक अग्निहोत्री, अर्बन नक्सल। अब अर्बन नक्सल को समझने के लिए पहले आप लोगों को नक्सलिज्म को समझना पड़ेगा। नक्सलिज्म नॉर्मली एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट माना जाता है, जो कि माओ या फिर लेनिन की बात करें आप लोग, माओ लेनिन की जो इंस्पायर है इससे, यहां पर आप लोग बोल सकते हैं इससे इंस्पायर होकर ये रिवोल्यूशन चलाया गया। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक तरीके से किल किया जाता है, फिर किडनैप किया जाता है जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या फिर और पर्सनल होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के साथ में लड़ाई है यहां पर इन लोगों की। ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जो हमारे लिए प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही है, हमारी जमीन को छीन कर उन पर फैक्ट्रीज वगैरह लगा रही है, और यहां पर हमारे बच्चों को जॉब वगैरह भी नहीं दे रही है, और उनके ऊपर से स्कूलिंग भी नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें देखने को मिलती है। तो इन्होंने बोला कि अगर नॉर्मल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा, हम लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिए, इसको बोलते हैं नक्सलिज्म। अब इसमें अर्बन आ गया, इसका क्या मतलब है इसको समझ लीजिए। अर्बन का मतलब ये है कि जब यहां पर अर्बन नक्सल की बात करते हैं, कि इस तरीके से एक ऐसी कल्चर आना जिसको इंस्टीट्यूशन के थ्रू, फिल्म के थ्रू या फिर मीडिया के थ्रू फैलाना, यानी कि वैसे तो जाकर गवर्नमेंट के साथ में
लड़ना, पर लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल लिखना जो कि अर्बन को, जो कि नक्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं, कुछ ऐसी मूवी बनाना जो नक्सलिज्म को सपोर्ट करती है, तो कुछ ऐसे काम करना जो कि नक्सलिज्म को सपोर्ट करें, और वो भी किसके द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाना, एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना जो कि खासकर हेल्प करे रिक्रूट करने में लोगों को नक्सल कैंप में, यानी कि लोगों के द्वारा कुछ ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना जो कि और ज्यादा इस मूवमेंट को बढ़ा दे, और वो भी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, अलग अलग मूवमेंट के द्वारा। तो इसको कहते हैं अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल की अगर बात करें, ये और भी ज्यादा खतरनाक है नक्सलिज्म से, क्योंकि नक्सलिज्म को कंट्रोल करना एक बार को आसान है, पर लेकिन अर्बन नक्सल अगर स्टार्ट हो जाता है ढंग से तो फिर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये काम ही ऐसा कर रहा है पेन या फिर इसके अलावा फिल्म के जरिए या फिर और भी तरीके से कुछ अलग तरीके की बातें कर कर यहाँ पर मूवीज बनाकर या फिर कुछ आप लोगों को मतलब आर्टिकल लिख लिख कर किसी भी तरीके से यहाँ पर लोगों को उसकी तरफ को एक तरीके से खींचना, इसको बोलते हैं आइडियोलॉजी को, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है, तो ये आप लोगों को आर्टिकल समझ में आना चाहिए, अर्बन नक्सल क्या है किताब पता होना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया जरूर होना चाहिए। ओके, अगला आर्टिकल देखते हैं। इस आर्टिकल से रिलेटेड आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को देखिए पहले, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर, देखिए आज के डेट में किसानों की आय के बारे में बात की जाती है। अगर आप लोग एसएससी बैंकिंग या फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको निबंध के तरीके से ले सकते हैं, वहां पर एक निबंध लिखने के लिए आता है, पर लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आप लोगों को इसे क्वेश्चन के तरीके से लेना है, क्योंकि वहां पर 200 से 250 शब्द का एक क्वेश्चन लिखना होता है। आगे आने वाले टाइम में अगर आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिली, क्वेश्चन की संख्या और ज्यादा बढ़ा दूंगा, एक दूसरे क्वेश्चन जरूर रिव्यू किया कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले वो जान लीजिए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आप लोग किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को कुछ ऐसे विविधीकरण करना पड़ेगा, कुछ ऐसे सामान किसानों के सामने लाने पड़ेंगे ताकि वो खेतों से हटकर कहीं और से भी पैसा कमाना स्टार्ट कर दें। यह है पूरे इसका मतलब, यानी कि आप लोगों को ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा किसानों को कि किसान कहीं और से भी पैसा कमा सके। इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है, 200 से 250 वर्ड में इसका आंसर देना है। अब आइए आर्टिकल देखते हैं, ठीक है। फिरोज वरुण गांधी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, बीजेपी से कनेक्टेड, आप लोगों को पता ही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जॉब क्रिएशन की, किसानों के लिए बोला जा रहा है डोर स्टेप, यानी कि उनके घर पर ही आप लोगों को कम से कम जॉब क्रिएशन पहुंचाना चाहिए, ताकि वो अपने गांव में ही रहकर उनको माइग्रेट न करना पड़े, वहीं पर ही उनको जो भी काम करना है वो मिल जाए, ठीक है। तो अभी बोल रहे हैं इसके लिए आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, नॉन फार्म के बारे में सोचना पड़ेगा, यानी कि खेतों से हटकर भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि बस खेतों में अब किसानों का लोन माफ कर दिया बस वो सारी चीज सोचनी है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम चलाई है जिसको रायथु बंधु बोला गया था, ठीक है। तो ये स्कीम थी किसानों के लिए, किसानों की हेल्प कर रही थी, लोन माफ नहीं कर रही थी, किसान की हेल्प कर रही थी ताकि वो अपना बीज वगैरह खरीद सकें, इस तरीके एक्टिविटी वहां पर की जा रही थी, बीज वगैरह खरीद सकें, फर्टिलाइजर वगैरह खरीद सकें, ना कि उनका लोन माफ किया जा रहा था। तो ट्रेडिशनल मेथड नहीं अपनाया इन्होंने, इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट मेथड अपनाया और उसके लिए 8,000 पर एकड़ देने की बात की गई, अगर किसान जो है आने वाले 2 क्रॉप सीजन में अपनी क्रॉप उगाता है तो कहने का मतलब यह है किस तरीके से खेती को प्रोडक्टिव बनाना है उसके बारे में सोचा जा रहा है, यानी कि एक दूसरा उदाहरण अच्छा है, ये सुनिए, ये बात की जा रही है कि किसानों को मछली पकड़ना सिखाया जा रहा है, यानी कि उनके हाथ में मछली दे दी है, ठीक है, मछली देने का मतलब है बर्बाद कर रहे हैं, ये कि बस पैसा दे दिया ले जाके कि लोन माफ हो गया, ये नहीं किया जा रहा है। उनको किसानों को खेत में बीज खरीदने के लिए या फिर उनको एक तरीके से फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है ताकि उस फर्टिलाइजर को यूज करके अपनी खेती अच्छी कर सके, तो ये आप लोग समझ के चलिएगा, ठीक है। अगर रूरल इकोनॉमी की बात करें, हमारी कंट्री में रूरल इकोनॉमी जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए जो भी यहाँ पर इनकम आती है निकलकर, पहले तो गांव में जो इकोनॉमी की इनकम है, ये बात की एक स्टडी के द्वारा निकल कर आई है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर यह बोला गया कि जो गाँव में इकोनॉमी है, जो गांव में लोगों की जो मंथली इनकम रहती है वो अगर 8,000 के करीब है लगभग, ठीक है, 8,000 है, तो उसमें से लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा ओनली 43% जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से आती है। यानी कि कहने का मतलब ये है अगर आप लोगों को किसानों का भी फायदा पहुंचाना है तो आप लोगों को उन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा जो किसान जहां से और दूसरे एरिया से पैसे कमा रहे हैं, तभी जाकर 2022 तक आप लोग किसानों की इनकम डबल कर पाएंगे जो कि टारगेट है, ठीक है। तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा, यानी कि 75 साल जब आजादी के पूरे होंगे, किसानों की इनकम डबल करना चाहते हैं तो इस पर सोचना पड़ेगा, यानी कि दूसरी चीजों पर भी आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा, यानी कि बस आप लोगों को यहीं पर ही फोकस देना है, वेज लेबर वगैरह या गवर्नमेंट जॉब, तो अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ आप लोगों को यहां पर लेकर चलना पड़ेगा।
अगर बात करें पर कैपिटा इनकम की, पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो गांव वाले एरिया में है वो काफी कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू अगर शहर वाले एरिया की आप लोग बात करते हैं। तो देखिए अब आप लोग देखते हैं, मान लीजिए आप लोग 50-50 कर लीजिए इसको, 50% तो खेतों से कमाते हैं, अब जो 50% जो खेतों से नहीं आ रहा है उसके बारे में क्या किया जाए। तो जो नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे उनको भी तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, उनके बारे में आप लोग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कहां से उनके लिए निकाल के लेकर आना है। तो उसी की बात की जा रही है, डाइवर्सिफिक की बात यहां पर की जा रही है कि आप लोगों को ऐसे फील्ड में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पर लोग जो है कहीं और से अपना पैसा कमाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच आप लोगों को नहीं लेकर चलनी है, कुछ एडिशनल आप लोगों को यहां पर काम करना पड़ेगा। आखिर वो क्या क्या है यहां पर, मान लीजिए पहले तो आप लोग ये समझिए, एक साइड में खेती है और एक साइड में घर में दो गाय भैंस रख रखी है, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं दूध निकाला जाता है, बेचा जाता है, तो इससे क्या रहेगा अगर यहां से अच्छा खासा पैसा कमाने को मिल रहा है तो आने वाले टाइम में अगले खेती अच्छी नहीं हो रही है तो एक अल्टरनेटिव है, अगर खेती अच्छी हो रही है और दोनों चीजें अच्छी हो गई तो इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है यहां पर, तो टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव की जा सकती है किसान के द्वारा। तो दो फैक्टर पर फोकस देने की बात की जा रही है, एक तो लाइव स्टॉक के बारे में, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई जानवर वगैरह खरीद लिया, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा फोकस देने की बात की जा रही है माइग्रेंट वर्कर, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में खेती नहीं है, माइग्रेंट वर्कर है, ठीक है, वो गांव में से इधर उधर जाते हैं काम करने के लिए फिर गांव में लौट कर आ जाते हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, उनके बारे में क्या सोचते हैं। लाइव स्टॉक की अगर बात करें तो एनिमल्स जो आएंगे मान लीजिए मार्केट में, अगर उसके ऊपर कोई अपना डिपेंड हो जाता है, मान लीजिए किसी ने एक भैंस खरीद ली और बोला कि इसका दूध बेचकर या फिर घी निकालकर वो बेचा जाएगा, उससे पैसे कमाने हैं, पर लेकिन अगर भैंस की तबियत खराब हो जाए तो किसान की तबियत उससे पहले खराब हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भैंस के ऊपर पूरी जिंदगी डिपेंड हो रखी है वहां पर, तो उसके हेल्थ फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि ऐसे जानवर जो है उन पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके। इस तरीके से आप लोगों को रूल और रेगुलेशन कुछ ऐसे बनाने पड़ेंगे स्टेट के लेवल पर ताकि यहाँ पर प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट किया जाए और पोटेंशियल यहाँ पर निकाल के लेकर ऐसे एरिया का आ जाए जो कि किसानों से रिलेटेड नहीं है, यानी कि खेतों से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से खेतों में काम से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे पैटर्न पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात की जा रही है माइग्रेंट वर्कर की, अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं पैसा कमाने के लिए तो आप लोगों को उस पर फोकस देकर चलना पड़ेगा, सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पर स्कीम बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर कई बार लोग क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उनके पास में आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है, तो आप लोगों को इस पर भी फोकस देना पड़ेगा। अगर किसी के पास में आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग क्या करें कि आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो उसको फैसिलिटी ना प्रोवाइड कराएं, उसको टॉर्चर करना स्टार्ट कर जाए, तो ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात क्या बोली जा रही है, जो मान लीजिए कोई यहाँ पर इनको जॉब प्रोवाइड कराता है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको भी आप लोग प्रॉपर वे में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रॉपर वे में उसकी भी चीजें होनी चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको भी आप लोग ढंग से देखकर चलेंगे, अगर वो कुछ हरकतें करता है तो पेनल्टी उसके ऊपर पहुंच की जाएगी, कुछ ऐसा प्रोसीजर आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप लोग ये चीजें लेकर चलते हैं तभी आप लोग यहां पर अगर चाहते हैं गांव को अगर आप लोग सुधारना तो तभी आप लोग सुधार पाएंगे। तो पॉलिसीज हेल्प करनी चाहिए, सस्टेनेबल ऐसी लेने चाहिए ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पर इंप्लीमेंट की जा सके, तो इस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो गांव का डेवलपमेंट आप लोग तभी कर सकते हैं अगर आप लोग ये सब चीजें फोकस देकर चलेंगे तो। और अगर पास्ट की आप लोग बात लेकर चलेंगे, हमारी पॉलिसी कहीं ना कहीं ऐसी रही है कि आप लोग क्या करते हैं कि खेतों से किसानों को निकाल के उनको अल्टरनेटिव कोई और बाहर उनको सिटीज की तरफ को खींचते हैं, ऐसा नहीं करना है, काम ऐसा कीजिए कि उनको घर यानी कि उनके अपने लोकल एरिया में ही कोई काम मिल जाए, इस तरीके से फोकस देकर अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोग यहां पर एक तरीके से फायदा उठा पाएंगे। तो ये हो गया आप लोग कंप्लीट एनालिसिस, अब आई होप कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, कुछ थोड़ा सा खुद से भी सर्च कीजिएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, इधर उधर से हाथ पैर मारिएगा ताकि आप लोग प्रॉपर वे में इसको हैंडल कर सकें। ओके आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अभी हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस किया था इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, इसकी थीम भी मैंने आप लोगों को बताई थी, थीम क्या थी यहाँ पर, इंपावरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड इंश्योरिंग द इंक्लूसिवनेस एंड द इक्वलिटी, तो ये सारी बातें हम लोगों को देखने को मिली, तो इसी के ऊपर आज एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए अभी रिसेंटली एक मूवी देखने को मिली आप लोगों को जिसका ट्रेलर रिलीज हुआ, जीरो मूवी में यहाँ पर बोना दिखाया गया, किसको, शाहरुख खान को, तो जो बोना दिखाया गया तो यहाँ पर जो भी ड्राफ्ट कम्युनिटी है, जो छोटे कम्युनिटी है हमारी सोसाइटी की, देखिए कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जा रहा है। इसी तरीके से ऋतिक रोशन को आप लोग देखते हैं, यहाँ पर इनको बीमारी थी काफी खतरनाक लेवल की, तो यहाँ पर इनकी बॉडी पैरालाइज थी, ये बीमारी कई बार देखने को मिल रही है। अनुष्का शर्मा को आप लोग देखते हैं मूवी में, उनको भी बीमारी है, तो इस तरीके से एक पैरालाइज कम्युनिटी को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उसको भी सामने निकाल कर लेकर आया जा रहा है, यानी कि डिसेबल सेक्शन को अगर प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये सही बात है, यानी कि प्रेजेंट तो किया जा रहा है, और ये अभी नहीं है 1936, 1975 या फिर 1996, 2010, तो बहुत सारी मूवीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। जीवन न्याय शोले में ठाकुर आप लोग देखते हैं, उसके हाथ दोनों कटे हुए थे, ठीक है, वो किस तरीके से वो काम कर रहा था, वो सारी बातें आप लोग देखते हैं। खामोशी में यहाँ पर बोला गया डेफ्थ के ऊपर बनाई गई है, गुजारिश में आप लोगों को देखने को मिलेगा डिसेबल पर्सन दिखाया गया, इसी तरीके से अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान को आप लोग देखते हैं मूवी में, तो ये राइटर तो देख रहे हैं, देखिए बोल रहे हैं सही बात है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से जो आप लोग दिखा रहे हैं, तो राइटर जो है यहाँ पर निपुण मल्होत्रा वो इससे खुश है और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए और ये सही
बात हो रही है इस तरीके से जो आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर लेकिन इनको देखना, क्या लोग इनको देखने आते हैं तो वो कई बार चैलेंज रहता है, यानी कि लोग जो है घर से निकलते नहीं है ऐसी मूवी देखने के लिए कई बार। हालांकि अगर इंटरेस्टिंग हो उसे दिखाया जाए ढंग से तो वो देखिए एक तरीके से उसको देखने भी आते हैं। तो फोकस यही देना है किस तरीके से उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, और इसके थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। हालांकि यहां पर देखिए बोना दिखाया गया, पर लेकिन बोने की जो यहां पर सोसाइटी में ऐसे लोग जिनकी हाइट कम है उसको रिप्रेजेंट किया गया, पर लेकिन उसको प्रॉब्लम को पर्टिकुलर से डील नहीं किया गया, ठीक है। ज्यादातर तरीके से मूवी बनाई गई है, पर लेकिन फिर भी एक तरीके से ब्रांड एंबेसडर बन जाते हैं इस तरीके की मूवीज बनाकर, और सोसाइटी की एक रिप्रेजेंटेशन निकल के आती है। तो जो डिसेबिलिटी को लेकर यहां पर एक बैरियर है हमारी सोसाइटी में वो टूटता हुआ नजर आता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को सिंपैथी की तरीके से नहीं देखना है, दया के तरीके से। वो भी प्रॉपर कैपेबल पर्सन है, उनका ऐसे नहीं है कि सिंपैथी की तरह से देख रहे हैं यार ये क्या हो रखा है बेचारे के साथ में, तो बेचारा नहीं बनाना है। वो पावरफुल है और आप लोगों से पावरफुल नजर आएंगे, जिन सिचुएशन में वो काम कर रहे हैं इन सिचुएशन में आप लोग उनके सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से देखना है, यानी कहने का मतलब ये उनसे इंस्पायर होना है, उनको बेचारे की तरीके से नहीं देखना है। ये बात यहां पर राइटर बोल रहे हैं। वरुण खुल्लर की बात की जा रही है यहां पर, एक एक्सीडेंट में देखने को मिला इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पैरालाइज हो गई बॉडी, फिर भी इन्होंने क्या किया एक काम किया, म्यूजिक में इन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया और यहां पर अभी ये दिल्ली में काम कर रहे हैं शानदार तरीके से। इसी तरीके से यहां पर बात की जा रही है अलग अलग पर्सनालिटी की, तो यहां पर जो नाम दिए जा रहे हैं और भी कई सारे उदाहरण थे वहां पर, जैसे कि एक और उदाहरण है यहाँ पर दिव्यांशु, इनके द्वारा यहाँ पर देखने को मिला इनकी आई साइट्स के प्रॉब्लम थी, इसके बाद भी इन्होंने एक किया वहां पर अभी एडवेंचर स्पोर्ट कंपनी के में काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये आप लोगों को नजरिया चेंज करना पड़ेगा। ये था कंप्लीट आर्टिकल। तो ये बोल रहे हैं कि मैं ग्लैड हूं, एक तरीके से खुश हूं मैं कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी लर्न कर रही है और आगे बढ़ेगी अगर इस तरीके से हम लोग ऐसी मूवीज बनाएंगे, तो डिसेबल सेक्शन को भी हम लोग एक अलग तरीके से देख पाएंगे, यानी कि उनको बेचारा नहीं एक मोटिवेटिंग तरीके से देख पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर बात की जा रही है जॉर्ज यहां पर एच डब्ल्यू बुश के बारे में, ठीक है। इसका पूरा नाम भी याद रखते हैं, यह है जॉर्ज हर्बर्ट वोका बुश, तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये 41st प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जो कि 1989 से 1993 तक रहे। इसके अलावा 43 वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ये 1981 से 1989 तक, यानी कि तब तक वाइस प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद में फिर प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी अभी जो पैदा हुए थे ये 12 जून 1924 में, और जो डेथ हुई है इनकी ये 30 नवंबर, यानी कि अभी जो मंथ गया है उसमें 30 नवंबर को इनकी डेथ हुई है। तो इनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, और खासकर अगर इनके टाइम पीरियड को आप लोग देखेंगे तो कोल्ड वार का टाइम पीरियड भी आप लोगों को बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कोल्ड वार जो चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो वो टाइम पीरियड भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें सद्दाम हुसैन की, तो उसमें भी इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया उस टाइम पर। इसके अलावा बात की जाए जब यहाँ पर अगर पाकिस्तान या अफगानिस्तान को आप लोग देख लीजिए, अफगानिस्तान में पहले यूएसएसआर था, उसके बाद में जब यूएसएसआर वहां से निकला उस टाइम पर अफगानिस्तान को भी नेग्लेक्ट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर तालिबान वाली आप लोग प्रॉब्लम देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इनके टाइम पर क्रिएट हो गई थी और जिनका आज तक सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है। तो ये कुछ बातें भी यहाँ पर फोकस देकर चली जा रही हैं। बाकी ये साइक्लोन के बारे में जिक्र किया जा रहा है गाजा, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर कई सारे साइक्लोन देखने को मिले। ओके, आप लोग देखते हैं वर्दा या फिर आप लोगों को तितली, कई सारे साइक्लोन के नाम अभी आप लोगों को रिसेंटली अभी देखने को मिले। तो ये साइक्लोन अलग अलग टाइम पर आप लोगों को देखने को मिले अलग अलग रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे ज्यादा साइक्लोन किस में आते हैं, सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल में, यानी कि जो ये वाला रीजन है इस वाले रीजन में सबसे ज्यादा साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे अरेबियन सी में, और इनलैंड में बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये खासकर अगर यहाँ पर बात की जाए कि कौन से एक्टिव मंथ्स होते हैं, तो उसके बारे में मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा सेप्टेम्बर से अक्टूबर नवंबर तक, ये यहाँ पर मैक्सिमम साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सेप्टेम्बर अक्टूबर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, नवंबर यहाँ पर मैक्सिमम साइक्लोन आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके से यहाँ पर एक एनालिसिस किया जा रहा है कौन कौन से एरिया में आते हैं कहाँ कहाँ पर और कब कब साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिले। ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ईयर है और ये मंथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो डेंसिटी है यहाँ पर थोड़ी ज्यादा आप लोगों को नजर आएगी साइक्लोन की, जो अक्टूबर नवंबर और यहाँ पर ये सेप्टेम्बर की अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात की जा रही है प्रीलिम्स फोकस वाले पोर्शन पे। तो यूएसए और चाइना की अगर बात करें तो यूएसए और चाइना ने यहाँ पर बोला है मिलकर दोनों आने वाले टाइम में टैरिफ जो लड़ाई खेल रहे थे उसको बंद करेंगे और जो भी यहाँ पर चल रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो देखते हैं कैसे ये कर पाते हैं, बहुत लंबी टैरिफ वार आप लोगों के सामने है यहाँ पर जो कि लंबे समय से चली हुई आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं अब कैसे इसको कंट्रोल कर पाते हैं, बोला जा रहा है कि जल्दी ही इसको कंट्रोल किया जाएगा
और आने वाले 90 दिनों तक कोई भी टैरिफ किसी के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। और जो 10% है वो 10% ही रहेगा, बोला गया था ना कुछ दिनों पहले ट्रंप ने कि 10% से बढ़ा के 25 करूंगा या 20 करूंगा, तो वो भी नहीं किया जाएगा, वो 10% ही रखा जाएगा। यानी कि सुधर रहे हैं बिगड़े हुए लड़के, तो देखते हैं कितना सुधर पाते हैं। बाकी यहां पर आप लोग देखते हैं अभी स्टार्ट हो गए यहां पर पोलैंड में, जो कि आप लोगों को बोला गया था यूएन की जो यहां पर यूनाइटेड क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस है, यह है COP24। तो ये कहां पर हो रही है अभी, ये आप लोगों को कहां पर पोलैंड में देखने को मिल रही है, कोटावेस आप लोग यहां पर इसका एरिया है जहां पर ये पर्टिकुलर देखने को मिल रही है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट सुनील अरोरा, जो कि यहां पर जो देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं राजस्थान कैडर से, जो अभी हमारी कंट्री के चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं। ओपी रावत यहां से गए हैं और सुनील अरोरा आए हैं, पहली बात आप लोग ये याद रखेगा। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो भी बहुत बड़ा रोल है जो कि इनके द्वारा प्ले किया जाएगा। यानी कि ये अभी जो यहां पर पूरा लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसको हैंडल करने वाले हैं, तो ये एक अच्छी टास्क बोल सकते हैं। राजनाथ सिंह जी के द्वारा बोला गया पाकिस्तान को कि भैया अगर आप लोगों से टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं संभल रही है तो हमको बताओ, हम लोग आपका हेल्प करते हैं और दोनों मिलकर इसको सुधारेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, यहां लगभग 34 साल हो चुके हैं जब यहां पर आप लोगों को भोपाल गैस त्रासदी देखने को मिली थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो ये यहां पर लीक हुई थी गैस, जिसकी वजह से 15,000 के करीब लोग मारे गए थे, और ये टाइम था 2 से 3 दिसंबर 1984 में, ठीक है, 2 दिसंबर की रात या फिर 3 दिसंबर की सुबह आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये कहां पे था, भोपाल में था, और ये जो प्लांट था ये क्या था, ये था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, तो ये कंपनी का प्लांट था जो कि पेस्टिसाइड प्लांट था एक, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं, आगे बात की जा रही है फिर से एक मीटिंग करने की बात की जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनके साथ में दोनों मिलकर देखते हैं मीटिंग कर पाएंगे, यानी कि फिर से यहां पर इनकी डेट होने वाली है, तो अभी देखते हैं, बोला जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जनवरी या फरवरी में, तो चांसेस लगाए जा रहे हैं मिलने के, तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकाला जाता है। यहां पर बात की जा रही है लेनिन टावर ऑफ पीसा कहां पर देखने को मिलती है आप लोगों को, ये आप लोगों को इटली में देखने को मिलती है, तो इसको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि जो अपना जो टिल्टेड जो कैरेक्टर था वो थोड़ा लूज कर रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में इसमें और ज्यादा प्रोग्रेसिव देखने को मिल सकता है, ये इटली में है, ये आप लोग याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं ओरेंज की बात की जा रही है, ओरेंज नागपुर में काफी फेमस है, आप लोगों से पूछा भी जाए तो ये नागपुर में देखने को मिलेंगे, तो अच्छी खासी बंपर क्रॉप होने वाली है, पर लेकिन प्रॉब्लम ये निकल के आती है जितनी ज्यादा क्रॉप होगी उतना ही कम प्राइस रहेगा, यानी कि अगर कम क्रॉप होए तो प्रॉब्लम और ज्यादा क्रॉप होए तो प्रॉब्लम, तो किसानों को दोनों तरफ से मार झेलनी पड़ती है। आगे बात करते हैं माइग्रेंट वर्कर के बारे में, एचआईवी की अगर बात की जाए, देखिए माइग्रेंट जो वर्कर होते हैं इधर से उधर जाते हैं, उन पर कोई फोकस नहीं देता है, और मैक्सिमम गंजाम डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए उड़ीसा के अंदर, तो बहुत ज्यादा प्रोन यहां पर देखने को मिलता है, जो कि यहां पर माइग्रेंट वर्कर में एचआईवी की जो बीमारी होती है, ठीक है। बीजेपी के द्वारा बोला गया कि 70 लाख के करीब जॉब क्रिएट की गई है 2017-18 में, जिसको जॉब मिली है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इस ड्यूरेशन में, और यहां पर देखने को मिलेगा नीति आयोग भी इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। नेक्स्ट ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, G20 की जो मीटिंग है 2022 में वो इंडिया होस्ट करने वाला है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, और इटली करने वाला था, अब इंडिया करेगा इसको, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया इटली से, क्योंकि 2022 में हमारे 75 साल कंप्लीट होने वाले हैं आजादी के। इसके अलावा व्हाट्सएप के द्वारा बोला गया है RBI, ठीक है, ये आप लोगों की इकोनॉमिक वाली न्यूज हो रही है, आगे चल के व्हाट्सएप के द्वारा बोला गया आरबीआई के लिए कि आरबीआई को पेमेंट सर्विस की यहां पर एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, यानी कि जैसे पेटीएम वगैरह आप लोग यूज करते हैं ऐसे ही व्हाट्सएप भी आने वाले टाइम में फाइनेंशियल इंक्लूजन करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात की जा रही है, 6 मेंबर की कमेटी यहां पर बाई गई है, अभी देखने को मिलेगा यहां पर किस तरीके से 149 स्मॉल या फिर मार्जिनल ऑयल गैस फील्ड है हमारी कंट्री के, जो कि ONGC के अंडर में आते हैं या फिर ऑयल इंडिया के अंडर में आते हैं, तो इसको चेक करने के लिए नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार की अध्यक्षता में यहां पर एक कमेटी सेटअप की गई है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखेगा, ओके। तो आइए देख लेते हैं, अब एक छोटा सा क्विज यहां पर बात करते हैं, ग्रोथ की बात की जा रही है, तो ग्रोथ कितने से कितने पर आ गई है अभी फिलहाल के क्वार्टर की, पहली बात ये की जा रही है। अगर बात करें यहां पर ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की, तो हमारी कंट्री में नॉर्मली कितना यहां पर ये GDP का माना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। टारगेट क्या है डेफिसिट का जो हमारी कंट्री में रखा गया है ये GDP के कंपेयर में, आप लोगों को बताना है। जो यहां पर जॉर्ज W. बुश की अगर बात की जाए, तो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, ये बताना है। रायथू जो बंधु ये स्कीम थी किसानों के लिए, ये कौन सी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये बताना है। सुनील अरोरा जो अभी आप लोग यहां पर देखने को मिले चीफ इलेक्शन कमीशन, कौन से कैडर के हैं ये, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है।
इसके अलावा जो बात की जा रही है यहां पर दिसंबर ये यहां पर सेकंड 1984 में तो कौन सी गैस यहां पर लीक हुई थी जो कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट की जो बात की जा रही थी जो कि पेस्टिसाइड से था रिलेटेड था, आप लोगों को ये बताना है। तो ये था आप लोगों का क्विज जिसका आप लोगों को आंसर देना है। बाकी कैसा लगा लेक्चर वो बताएगा। ये दो क्वेश्चन पूछे थे लास्ट आप लोगों से, करतारपुर कॉरिडोर तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर करतारपुर टू डेरा नानक तो ये रावी रिवर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा था। G20 कहां पर मीटिंग हो रही है, ये बुर्नोइस अर्जेंटीना में ये मीटिंग हो रही है, ठीक है, बुर्नोइस एरिस अर्जेंटीना में। तो ये था डिस्कशन, अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिएगा, डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसके अलावा आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों के सेव कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए और कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद।